क्या बोल रहा था रास्ते में? पर निकल रहा हूँ, किसी का डीएम भी नहीं आया कि कोई आ रहा है, एक दो लोग का आया है अभी तो। ये ओवर एक्टिंग इससे खत्म ही नहीं होती है भाई। मतलब कोई इसको डीएम करके बताए कि अरे रेखा भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ अब तो लोग अपना काम वाम छोड़ के पहले इसको डीएम करे कि रेखा भाई मैं आ रहा हूँ। अबे भाई ओवर एक्टर है यार तुम लोग। तुम लोग को इसकी ओवर एक्टिंग क्यूट भी लगती है, मतलब हद ही हो गई थी। देख लो ओवर एक्टिंग देख लेते हैं। चलो मत, ठीक है ठीक है, नहीं जलती यार। आउटरो में शूट कर रहा हूं, मतलब रात हो गई है, मीटअप खत्म हो चुका है। सो आज गाइस मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन, ऐसा मैं बोलता कि आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। एंड बहुत एंजाइटी में था, मैं सुबह 7 बजे उठ गया था, मैं 7 बजे उठ के वेट कर रहा था। ये 7 बजे उठा था ऐसा, सबसे पहले हमारे ग्रुप में क्यूटीज वाले ग्रुप में आया वैलो एनीवन। सुबह 7 बजे जैसे ही उठा है या के भाई साहब, 7 बजे एक्चुअली उठ गया था ये। सुबह सुबह इनको वैलो खेलना था उठ के। या अब क्या हुआ, क्या कैसे हुआ? क्योंकि पहला भी टफ था ना, ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट तो थोड़ा रिस्की रहता है। एंड भाई अनडाउटली बहुत ही बढ़िया दिन गया। तो बेसिकली मीटअप में क्या हुआ, 3:30 बजे का मीटअप था, मैं 3:30-4 बजे करीब पहुंचा। तो कैंसिल हुआ मीटअप एक बारी को, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी, स्टोर में जगह बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि रिलायंस का स्टोर था एंड पैनल्स वगैरह टूट, मतलब अगर वहाँ पे टीवी वगैरह डिस्प्ले में थे तो वो टूट जाते अगर थोड़ी और धक्का मुक्की होती। अरे बाप रे, मीटअप कैंसिल हो चुका था 4 बजे करीब। 15 मिनट के लिए मैं अंदर था, 15 मिनट में इतनी भीड़ थी कि नहीं हो पाया। तो उन्होंने बोला कि जो हमारा इवेंट था, जो हमारे बेसिकली फ्लो था, जो इवेंट का फ्लो था, वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि एज प्लान नहीं हो पाता इतनी भीड़ थी इसलिए। बट उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप चले जाओ, आप बाद में आ जाना, एक 15 मिनट का वीडियो शूट सेगमेंट था, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट उतनी वो नहीं हो पाई कि उस टाइम पर वो हैंडल कर पाए, वो स्टोर टूट जाता तो दिक्कत हो जाती। तो मैं चला गया, मैं 1 घंटे बाद आया। वैसे रहेगा को एक पर्सनल बॉडीगार्ड की ज़रूरत तो है वैसे, उसकी हेल्थ वेल्थ देख के। क्या आपको लगता है इसको एक पर्सनल बॉडीगार्ड की ज़रूरत है? भाई कोई धक्का देके चला जाए तो वो 4 किलोमीटर दूर गिर जाएगा, तो ही नीड्स अ पर्सनल सिक्योरिटी फॉर हिमसेल्फ। या कोई 1 घंटे 1.5 घंटे बाद कॉल करा कि अब आप आ जाओ। फैंस तब तक जा चुके थे, कुछ फैंस जा चुके थे, क्योंकि कुछ लोग बहुत दूर से आए थे। बट आई एम रियली सॉरी गाइस, जो लोग भी इतने दूर से मिलने आए थे। एंड मैं जिनसे नहीं, आप बन जाओ बॉडीगार्ड। हाँ तो बन सकती हूँ, बन सकती हूँ बॉडीगार्ड, मतलब है डोले शोले तो है मेरे। बताना किसको धरना है, ऐसे मैं सबके साथ देखने दो भाई ब्लॉग। सही बता रहा हूँ, अगर आप लोग एंड तक थे तो मैंने सबके साथ फोटो लिया। मेरे साथ आज ये फोटो ली है भाई। जो लोग आए थे एंड नहीं मिल पाए, एंड जो लोग को कुछ बुरा लगा हो, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम पक्का मिलते हैं गाइस। बाकी आप एंजॉय करो जो भी मीटअप में हुआ, अब आपको सब दिखने वाला है गाइस। सो एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। बहुत लो था आज के दिन में, मतलब आज का दिन एकदम मेरा लो था, बट आप लोगों की वजह से एकदम हाइप हो गया, इतना मजा आया, मतलब इतना प्यार मिला। थैंक यू गाइस। अरे इट्स ओके यार, मैं हूं ना। स्लिम शेडी भाई, स्लिम शेडी क्यों? अरे यार टारगेट क्यों कर रहे हो एडिटर यार? ठीक है मानना वो पतला है तो स्लिम शेडी बोलोगे क्या? मतलब ये क्या बात है यार, शी यार एडिटर यार, एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे। एक सेकेंड, हम हमारे छोटे भाई के लिए थोड़ी लड़कियां पसंद करते हैं यहाँ से। एक सेकेंड, कैसे बैक कैसे करते हैं? लड़कियां दिखी थी मेरे को इधर, एक मिनट, बैक क्यों नहीं हो रहा है? ओके ठीक है गाइस। हाँ तो बड़ा ये, हाँ थोड़ा ध्यान से देखना ये वाली, ठीक है, मतलब सब सारी अच्छी है। मतलब अब रेगा की पतली पतली देख के आई थिंक ये थोड़ी सही लगेगी। गाइस पता करिए कौन है, हम बात करना चाहेंगे अपने भाई के लिए, ठीक है? डोंट वरी। बाहर ले जाना है, बाहर बाहर आ रहा है, धीमे धीमे कर।
रेगा भाई की जय जयकार, रेगा भाई की जय जयकार। रेगा के लिए प्यार तो है लेकिन लोगों में, मतलब बहुत लोगों के लिए है, बट रेगा के लिए अलग से है लोगों में। मतलब रेगा के लिए ओ लुलु पुचू क्यू टू पुतू ऐसा वाला प्यार है लोगों के प्रति, मतलब रेगा के प्रति लोगों में। तो क्योंकि भीड़ बहुत हो गई है। क्या बोल रहा था रास्ते में, पर देख देते पर लोग आए हैं ना। प्रोवोकेशन भाई, हाँ वो एंशियस, हाँ चक्कर आ रहे हैं भाई, इतनी भीड़ है। अरे अरे दीदी क्या हुआ, नाम क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिया, अरे रिया कैसी हो? मेरठ से। So with all the cheerful and excited faces, smiling faces, please welcome. Needs no introduction, everyone. So please welcome Simar Sethi Reena. Please welcome Parsan Viola Reena. For setting up this meetup for us. Okay, and how you feel? क्या हो रहेगा, बोल नहीं पाए यार आप, इंग्लिश बोल देते हैं थोड़ा, मतलब अच्छा लगता है, आपके फैंस सुन लेते थोड़ी बढ़ती। माइक को पास रख, माइक को पास रख। ओके ओके ओके, आवाज नहीं है फिर। अच्छा अच्छा खेलना ही है। ओके लवली लवली, हमें कह रहा एवरीवन वांट्स टू बी अ गेमर, हर कोई गेमर बनना चाहता है, अपना करियर देखना चाहता है गेमिंग में। सो प्लीज गिव सम एडवाइस टू द ऑडियंस, दे आर वेटिंग फॉर योर पॉइंट्स, कि आप क्या एडवाइस दोगे, क्योंकि आप एक गेमर हो खुद। सबसे पहले एडवाइस जो मैं दूंगा, मैं गेमर हूं, आई एम प्राउड ऑफ इट। छोड़ दे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आज भी रिग्रेट करता हूं क्योंकि मैंने छोड़ दी थी बीच में, बट जस्ट टू क्लियर द एयर, रेगा ने अपना BBA करा हुआ है, वो उसने नीट दी हुई है, ठीक है, रिसेंटली उसने नीट दी है, अब वो JEE की प्रिपरेशंस कर रहा है, ओके, उसके बाद वो MBA करने जा रहा है, ठीक है, उसके बाद वो लॉ भी पढ़ेगा, ठीक है, लॉ पढ़ेगा वो, या LLB, या उसके बाद एक और फ्यूचर प्लानिंग थी उसकी, उसको एंटरप्रेन्योर भी बनना है, ठीक है, या तो ही इज गोइंग टू सेट अप हिज बिजनेस आल्सो। सीए तो वो भी है, करेंटली वो सीए है, हाँ तो वो सीए मतलब समझ रहे हो, UPSC तो उसका बचपन में हो गई थी,